ब्रो ये डूब गई भाई भाई ये नजारा है वॉकवे के जस्ट फ्रंट में। अरे लावारिस बाइक पड़ी है भैया, कोई उठा दो यार बाइक को, पानी भर रहा है यार। सुबह की शुरुआत हमारी देखो इतने प्यारे मौसम के साथ, कल आप देख रहे हो कितनी ज्यादा बारिश हो गई थी और बढ़िया सी चाय हमने बना ली है सुबह सुबह। कल का जो दिन था ना बहुत बढ़िया रहा, और एक मिस्टेक मेरे से ही हो गई, ड्रोन की एक चीज एक रास्ते में एक प्लेस में रहेगी, तो आज सोचा है कि वहाँ जाके हम दोबारा से उसको कलेक्ट कर लेंगे। और ड्रोन ना मैंने थोड़ी जगह आपका बारिश में उड़ा दिया था, तो अभी फिलहाल मैंने ड्रोन भैया को रखा है यहाँ पे सुखाने, क्योंकि क्या हो रहा था ना इसके आगे वाले जो लेंस था ना थोड़ा सा फ्लाई करने के बाद क्या होता है कि लेंस में आपका आ जा रहा था फॉग, तो फिलहाल मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे ट्राई करा था, थोड़ी देर धूप में रख के ठीक हो गया था। फिलहाल हमको चलना है जल्दी से बाजार, बड़े ट्रक लेते हैं और इसको भी ठीक कराना है। और क्या क्या काम है सारे बता दो, फिर दोबारा नहीं होंगे। और मुझे ये भी रखना है, आई थिंक यार ये एटफा पहुँचाना है, इसको भी आई से रख देता, आई से रख देता। तो यहाँ पे देना है हमने मिक्सी का आइटम, मिक्सी आइटम ये है ब्रो। अंगली फतेहपुर जोशी जी है ना केबल वाले, उन्होंने ये आज से मैं ले जा लूंगा, यहाँ पे डिलीवर करना है दूसरा वाला आइटम, फिर उसके बाद दो तीन और काम है यार, पहले से जल्दी जल्दी काम निपटा लेता हूँ। आज मेरा घूमने का प्लान था, देखो ऐसा हो जाता है घूमने का प्लान, और वो भी ना देखो सैटरडे के दिन। अरे है I-20 ये नई वाली है पुरानी वाली है, ओ गड्ढा भाई यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है, कैसे लेगी गाड़ी। सामान जो मुझे देना था ना, मतलब ठीक कराने या जो एडवाइट पर लौटाना था, या मुझे कुछ रिमोट्स और एडाप्टर्स लाने थे ऑफिस के लिए, वो सारी चीज मैं ले आया हूँ। और फिलहाल अब हमारा प्लान है घूमने जाने का, और मैं जैसी गाड़ी लेके निकला ना पापा को लगा सीधे घूमने निकलेगा, पापा सीधे को आला है कि पहाड़ों में नहीं जाना है क्योंकि हाई अलर्ट बताया ना, तो इससे क्या है लैंड स्लाइडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और अभी एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे कैची धाम के आसपास, मतलब एक मतलब कुछ पत्थर वत्थर टूट के गाड़ी पे टकराया और वो वहीं पर कुछ उनके साथ मिस हैपनिंग हो गई है, तो पापा का कॉल आया था कि पहाड़ों में मत जाना, लेकिन अभी फिलहाल मेरा प्लान है कि घर जाना है सबसे पहले और फिर हम लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं। देखो बारिश तब तक हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। चीज ना मेरे समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, मैंने किसी से पूछा नहीं लेकिन फिर भी मुझे बता रहे हैं। मतलब ऐसा है कि मतलब चैनल पे ना देखो 4000 मतलब 4500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन जो व्यूज का रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम रहता है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा ब्लॉग डालू ना जिसमें मतलब कीवर्ड सर्च होते हैं होटल से रिलेटेड या कोई भी रिसोर्ट या कोई भी प्लेस से रिलेटेड डालू, तो कुछ टाइम बाद मेरे व्यूज उसमें सही आ जाते हैं, के क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जब से मैं डेली ब्लॉग ट्राई कर रहा हूं व्यूज उतने ज्यादा नहीं आ रहे, तो बहुत सारे बोलते हैं कि यार चैनल आपका डेड हो गया है या व्यूज नहीं आ रहे हैं। यार मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरा चैनल डेड हुआ है, और पता नहीं क्या जो भी हुआ है, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि व्यूज कम है तो यार मैं ब्लॉग डालना बंद कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लगता है यार, एक रिलेशन बनाना सबसे, एक अपनी ऑडियंस से एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और यार अभी तो स्टार्ट कर रहा है भाई, ये तो एज अ हॉबी है। अगर मैं इसको प्रेशर की तरह, पैशन को प्रेशर की तरह लूंगा तो फिर ये मेरे से होने वाला है नहीं। डांस हो जाए यार, खतरनाक कर दिया इन्होंने यार। आ गया, उड़ गया भैया, हेलो। तो भैया डर रहा है, इसलिए डर रहा है। फिलहाल हम लोग ने यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करा था, और तो उसको देख के कुत्ता बहुत ज्यादा डरने लगा। अब बारिश होने लगी है, मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि हमने सोचा एक बढ़िया से शॉट लेते हैं, लेकिन शॉट तो लिया ही, लेकिन कुत्ता बहुत ज्यादा डर गया। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ना यहाँ का व्यू कितना बहुत ज्यादा बढ़िया है। अभी हम लोग का प्लान बन रहा है कि भीमताल को घूम के आते हैं बढ़िया से, और मैं दिखाता हूँ नीचे कितनी बढ़िया वैली लग रही है। हाय हाय देखो भाई क्या सुंदर जगह है, इससे ज़्यादा सुंदर तो मुझे लगता नहीं है कुछ हो पाता है। तो सामने जो है ये गौला नदी है, और ये बादल देखो उड़ के कितने प्यारे आ रहे हैं। फिलहाल वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। सो दिस टाइम मैं बकवत माना द व्लॉग, तो आज सोचा हमने कि कुछ वादियों में आपको वादियों वाला फील दे आए। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा।
बढ़िया सा व्यू मिला है आज ना यार, बहुत बड़ा सही रहा मौसम भाई। यार क्या लग रहा है यार, ओ भाई खतरनाक यार, खतरनाक व्यू है। देखो भाई सामने का व्यू देखो भाई, नेक्स्ट लेवल है यार ये देखो। थोड़ा टाइम लैप्स ले लेता हूँ बढ़िया से गाड़ी से वो निकाल के। ओ टाइम लैप्स लेना तो बनता ही है भाई। अब तो हम रुक गए ना, एक्चुअली मेरे पास ड्रोन भी है लेकिन ड्रोन फ्लाई नहीं करूँगा यहाँ पे, तो इससे अपना टाइम। तेरा सपने सुबह शाम है, तू है सही। भाई बहुत इमरजेंसी में हम लोग को नीचे आना पड़ा क्योंकि ना बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी और थोड़ा लैंडस्लाइडिंग वाला ही था भाई। गोला का रोला है देखो, खतरनाक गोला है ये, गोला ने कर दिया है रोला, बहुत तगड़ा रोला हो चुका है। लेकिन उधर से आ रहे हैं उतना ही ऊपर से घूम के, लेकिन गोला आपको पैर फिसला तो आप सीधे गोला में नीचे प्रवेश कर जाएंगे। गोला में प्रवेश करना चाहते हो आप? हाँ बिल्कुल। अरे बाप रे भाई, खींच मत यार। इस बारिश को लेकर हम लोग को ना बहुत जल्दी जल्दी वापस आना पड़ा। पानी पहुंची और यहाँ भाई सैलाब आ गया है। अंकल पानी तेज है? उधर तेज है। अरे मजा आ गया तो। तो पंच तो आप लाओ मत क्योंकि बहुत पानी है भाई। ओ सैलाब सैलाब है ब्रो, ये डूब गई भाई। भाई ये नजारा है वॉकवे के जस्ट फ्रंट में। अरे भाई अंकल फोन ले गए थे अभी मेरा। ओ भाई देख यार, ये तो पूरी नहर टाइप हो गई। अरे अंकल वहां मत डालो, तेज है पानी। अरे भाई यार ये बहुत तगड़ा आ रहा है यार, सैलाब आ गया ब्रो। अगर आप सैलाब से भाई ऑडी फंस गई, वहाँ ऑडी फंस चुकी है आगे। भाई हल्द्वानी को पानी देखो यार कितने। अरे भाई एक ना सिगरेट टूट गई चक्कर में। अरे भाई लो शेट यार, हमारी गाड़ी बच गई भाई, बहुत पानी आ रहा है यार। दीदी निकाल लो गाड़ी, नहीं कैसे फंसे रहोगे। बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं देख लो यार। भाई पानी देखो भाई मेरे साथ साथ नहीं भाई गिर गई ये बाइक। ओ बाइक देखो वॉक वे से यहाँ तक बहते हुए आई है ये बाइक। लावारिस बाइक पड़ी है भैया, कोई उठा दो यार बाइक को, पानी भर रहा है यार। बाइक उठा दे यार। छोटू कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? शेट यार तो मजा आ रहा है यार, बाइक बह गई क्योंकि बम्पर में टच हो रहा है भाई। पानी देख सकते हो आप, ऐसा क्यों हो रहा होगा यार, चाय खोलती नहीं है मम्मी, सबसे पहले निकाल देती है इसको। दूध लेगा देख लूंगा। तो फिलहाल यार इतना ज्यादा ठंडा लग गया ना आके, कल मैं आके सो गया था और बहुत ज्यादा थकान लग रही थी, काफी थक गए थे। और हमारा ना जल्दी आने का रीजन ये था कि पूरा लैंड स्लाइडिंग हो रही थी काफी, तो हम लोग वापस आ गए। तो अभी चाय बनाते हैं और फिर आज हम लेने वाले हैं अपने ही गांव के ड्रोन शॉट, वो ऊपर जाके लेंगे, वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। होप आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, डेली व्लॉग्स या डेली व्लॉग्स में ना कंटेंट निकालना बहुत मुश्किल है। लोगों को लगता है ना डेली व्लॉगिंग कर रहा है यार कुछ नहीं है, नहीं है, लेकिन डेली व्लॉग्स में कंटेंट निकालना बहुत ईजी नहीं होता। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।